हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल वैकेंसी पाठशाला। तो स्टूडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप जो अभी सेल की वैकेंसी निकली है उसका आप किस तरीके से फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा न्यू यूजर, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो, तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टील प्लान सेलेक्ट कर लेना है जो भी रुकेलेरा में निकली है, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी बना लेती है, यहाँ पे यूज़र आईडी बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर आपको सिंपली फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, कन्फर्म पासवर्ड कर देना। उसके बाद जीमेल आईडी पूछ जाएगी, जीमेल को कन्फर्म कर लेना। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम पूछा जाएगा, फिर मोबाइल नंबर आएगा, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। देखिए करके मैं आपको सारी फिल करके बता देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है इसको यहाँ पे आपको पासवर्ड लिख लेना है, उसके बाद इसको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जीमेल आईडी डाल देना है, इसको यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना है सिंपली। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर कन्फर्म कर लेना, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना। उसके बाद फादर नेम लिख देना, मदर नेम लिख देना, और वही नाम लिख के जो आपके टेंथ की मार्कशीट में, उसके डीओबी भी आपको टेंथ की मार्कशीट में जो वो लिखे। उसके बाद जेंडर फिल कर देना है, मेल फीमेल जो भी है, मैरिड है तो मैरिड लिख देना, अनमेरिड है तो अनमेरिड यहाँ पर कर देना। उसके बाद रिलीजन हिंदू है तो हिंदू लिख देना है, जो भी आपका रिलीजन है। उसके बाद कैटेगरी एस सी ओ बी सी जो भी आप यहाँ पर लिख देना है, सिटीजन इंडिया के है तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको कर लेनी है। तो सिंपली आपको ये सारी चीज़ें भरने के बाद सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने कहा अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो एरर को आपको फिल कर लेना है। तो सिंपली उसकी सेव नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको इनकी जो आपकी आईडी है यहाँ पे नज़र आ जाएगी, और यहाँ पे लिखा आएगा यू हैव बीन अलॉटेड द यूज़र आईडी आ जाएगी। इन विद 48 आवर के अंदर आपको जो सारी डिटेल है उनको यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर नहीं करोगे तो आपकी जो आईडी है उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा ऐसा इसमें। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है और परमानेंट यहाँ पे फिल कर लेना है, अगर सेम है तो यहाँ पे सेम कर देना है। तो यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना जो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर फोटो का साइज़ कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपको सिग्नेचर का फोटो का साइज़ यहाँ पे इन्होंने जो डिफाइन किया गया है यहाँ पे आपको देखने 50 KB यहाँ पे दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50 KB आपका सिग्नेचर का फोटो साइज़ होना चाहिए, मतलब 20 से लेकर 50 KB के बीच में। उसके बाद में आगे बात करें तो यहाँ पे आगे आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो आपके होना चाहिए 10 से लेकर 20 KB के बीच में ही आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको अपलोड करने के बाद आगे सिंपली सबमिट कर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा, एक तो यहाँ पे अगर आप डाटा को एडिट करना चाहते हो तो अभी एडिट कर सकते, बाद में एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो सेव आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपना एग्रियन इस पर आपको एक्सेप्ट एंड यहाँ पे देख रहे हो ये लास्ट आपका डिक्लेरेशन है, इसको सारे को आपको देख लेना है। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपका डाटा है। उसके बाद में एक्सेप्ट द अबाउ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में सिंपली इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। या आपसे पूछ रहा है कि आप सबमिट करना चाहते हो कि नहीं, आर यू श्योर, तो यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आपकी डिटेल्स इसमें मांगी जाएगी, और इसमें आपको सिंपली आपके यहाँ पे प्रिंट इसको कर लेना है। ये आपका प्रिंट है, इसको सिंपली आपको सो फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको लॉगिन एंड कंटिन्यू डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो पोस्ट है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद लॉगिन यूजर आईडी आपको यहाँ पे फिल कर ले। उसके बाद में आपको यहाँ पे करंट ओपनिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। करंट ओपनिंग के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सबसे पहले, तो यहाँ आपको अपना जो प्लांट है वो सर्च करना है। उसके बाद में पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप इसमें पोस्ट सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पोस्ट सेलेक्ट करके बता देता हूँ। तो यही अपना जो रुकेलेरा में अपन भर रहे हैं, उसके बाद में जो भी आपके पोस्ट है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपके पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन से, मशीनिस्ट से, तो यहाँ पे फिटर से भर रहा हूँ, तो फिटर से यहाँ पे उसके बाद सिंपली इसको प्रोसेस आपको कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपनी जो डिटेल्स है, यहाँ पे इतनी सारी डिटेल यहाँ पे आपके मांगी जाएगी। तो यहाँ पे एक एक करके सारी डिटेल को आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट डिटेल्स, एप्लीकेंट आपकी डिटेल आएगी। उसके बाद में कम्युनिकेशन डिटेल्स आएगी, अदर डिटेल्स आएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी, सेंटर डिटेल आएगी, और प्रीव्यू एंड यहाँ पे कंफर्मेशन आपसे मांगा जाएगा। तो सबसे पहले एक एक चीज़ यहाँ पे भरते, तो यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको आई क्लेरिफाई के ऊपर क्लिक कर देना, सेव नेक्स्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल आ गई, आई क्लिक है सेवन से सेव कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद में जो भी आपके अगर डिसेबल पर्सन मतलब आप PWD कैंडिडेट है तो उसके यस कर देना, ऑन एंड ऑफ कर देना। उसके बाद इसको भी चेकआउट चेक कर देना है, और यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देना। इसके बाद यू आर डायरेक्टेड टू फनिश, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई कि आप डायरेक्टेड फनिश हो जाओगे। उसके बाद में
डेट ऑफ यहाँ पे पासिंग आपसे जो जिसमें जिस ईयर में भी आपने डेट ऑफ आईटीआई जो पास की है उसका यहाँ पे मांगा गया है। तो जिस जिस ईयर में जिस साल में जिस दिन भी आपने आईटीआई पास की है और यहाँ पे देख सकते हो फुल टाइम और टेंथ जब भी पास की है उसका यहाँ पे इसमें मांगा गया है। तो आप टेंथ का बनना चाहते हो या आईटीआई का बनना चाहते हो तो यहाँ पे आपको वो फिल कर देना। उसके बाद आई क्लेरिफाई दैट अबाउट जो सारी चीज़ें वो सही भरी है मैंने। उसके बाद सेवन नेक्स्ट क्लिक कर देना है। डेट जो भी चीज़ें आ रही है मेजोरिटी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेंथ यहाँ पे आपको भर देना है। दोनों यहाँ पे देख सकते हो, आप देख सकते हो डेट ऑफ पासिंग ईयर इसमें मांगा गया है आईटीआई का। उसके बाद टेंथ पे भी आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करोगे यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जो भी आप एग्जाम सेंटर भरना चाहते हो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको भर के बता देता हूँ। जो भी पास पड़ता है तो यहाँ पे रुकेलाए भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपके पास में पड़ता है वो आपको उसमें भरना है। और यहाँ पे मैं लास्ट जो भर देता हूँ यहाँ पे रांची भर देता हूँ। उसके बाद आपको आई क्लेरिफाई सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये एप्लीकेशन आ गई पूरी और यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है और ये एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आई एग्री तो फाइनल सबमिशन आपसे मांगा जा रहा है। और अगर आपके पास आखिरी मौका है अभी तक भी आपने कोई गलत चीज़ भरी है तो यहाँ पे आपको बैक टू एडिट पे जाके क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे इसको यहाँ पे एडिट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें सेव भरी है तो इसको ये कर यस कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली मैक पेमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से 100 रुपीज़ आपसे इसमें मांगे जाएंगे। कैटेगरी वाइज अलग अलग है। ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भरना चाहते हो तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन भरूंगा। तो यहाँ पे आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली जाके यहाँ पे एड्रेस दिया जाएगा किससे भरना चाहते हैं। यहाँ पे वो आपको पेमेंट मेथड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आपका पेमेंट का डिटेल आ जाएगा जो भी आपका यहाँ पे पेमेंट देखने को मिल रहा है आपको। तो इस पेमेंट की रिसिप्ट की भी आप यहाँ पे प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो सेल का फॉर्म है यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। जो आपके वैकेंसीज है इतनी सारी जो वैकेंसी दी गई थी 333 जो आपके वैकेंसी इसमें निकाली गई थी उसका इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो ये था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।